प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड नेवर। अभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट, एक इंटरेस्टिंग और भारत और पाकिस्तान के पत्रकारों के बीच में एक मजेदार डिस्कशन लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे भारत की तरफ से होंगे रोहित शर्मा जी और सुमित जैन साहब, और पाकिस्तान की तरफ से होंगी आरजू काजमी जी और फकर यूसुफ जी। और आप देखेंगे ये चारों ना सिर्फ बात करेंगे हमारे प्यारे देश भारत के बारे में, बल्कि बात करेंगे पाकिस्तान के बारे में और एक दूसरे की टांग भी खींचेंगे। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम अपने से लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियोस लाते रहें। जय हिंद जय भारत। इस तरीके का सिनेरियो है, इस समय सीपीईसी पहले ही खतरे में है, प्रोजेक्ट्स नहीं आ रहे हैं। इन हमलों के बाद क्या पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आ पाएगी? जिस तरीके के हमले देख रहे हैं, क्या अमेरिका भी ट्रस्ट कर पाएगा इस पे? या पाकिस्तान का वो आरोप सही है कि ये अमेरिका और इंडिया करवा रहे हैं चाइना पे अमेरिका इन्वेस्टमेंट लिया है? देखिए, अमेरिका ने पहले भी पाकिस्तान को काफी हेल्प की है। हम ये अगर ये नहीं मानते हैं, वैसे बाय द वे हमारी आदत है, हम गालियां देते हैं अमेरिका को, लेकिन अमेरिका ने हमें बहुत सारी, आजकल अगर हमारे डिफेंस में आप कुछ भी देखते हैं, 16 को ले रहे हैं या कोई और चीजें देख रहे हैं, तो अमेरिका की मैड है वो। कौन सी मदद किसी पाकिस्तान की या चाइना मैड है? चाइना को तो भी हमने चीजें लेने शुरू की। आपने बात की इन्वेस्टमेंट की, तो इस अटैक के बाद जो बलूचिस्तान में दो हमले हुए, ग्वादर में और एक दुर्बत पे हुआ, और उसके अगले दिन ये वाला जो हुआ, इसके ऊपर फिर मेरे ख्याल में रुता बात यह है कि एज ए पाकिस्तानी हम जैसे लोग सोचते हैं कि यार हमें यहाँ जाना है कि नहीं जाना। एज ए जर्नलिस्ट हम फिर भी चले जाते हैं ग्वादर को, मैं 3-4 दफा साउदर्न बलूचिस्तान को विजिट कर चुका हूँ, बाकी इलाकों को। लेकिन आपका इन्वेस्टर ये नहीं देखता, इन्वेस्टर को अपना पैसा भी चाहिए और अपनी जान भी चाहिए, दोनों चीजें उनको बड़ी मतलब उनको सेफ रखना होता है। वो पागल नहीं है कि वो जाके मिलियन या बिलियन ऑफ डॉलर भी लगाए और फिर कह के अच्छा मैं अब AK-47 या जो भी आपने बात की कि वो लेके, मतलब कि इसी तरह के आप कारोबार भी करेंगे और साथ में आपने गन उठाई होगी, आप अपने आप को बचाने के लिए भी कोशिश करते रहेंगे, दोनों चीजें नहीं हो सकती। इन्वेस्टमेंट तब आती है जब उनको लगता है इन्वेस्टर्स को कि भाई हालात नॉर्मल है, यहाँ पे मैं जाऊंगा, एक अच्छी मार्केट है, यहाँ से मुझे रिटर्न भी अच्छा मिलेगा और मेरी सेफ्टी भी है। लोग क्यों अफगानिस्तान में इन्वेस्ट नहीं कर रहे? अफगानिस्तान में हमसे ज्यादा मतलब वो मिनरल्स और ये सारी चीजें, और बहुत अच्छा काम हो सकता है, लेकिन लोगों को अभी फिलहाल ट्रस्ट नहीं है तालिबान हुकूमत में। हालांकि वहां पे सिक्योरिटी की सिचुएशन हमसे, मैं कहूंगा कि बेहतर है। मेरे यहाँ जिस तरह हमले हो रहे हैं वहां पे चाइनीज के ऊपर, आपके इंडियन लोग वहां पे है, किसी के ऊपर इस तरह का अटैक नहीं हुआ, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये हो रहा है। हम बेशक इंडिया को ब्लेम करें, हम बेशक अमरीका को ब्लेम करें, हमारे जो इदारे हैं, जिस तरह अर्जुन ने कहा कि उनका काम जो है वो तो करते नहीं है, बाकी कामों में मसरूफ है, तो जब तक वो ये चीजें नहीं छोड़ेंगे, देखे हम बेशक इंडिया को गाली दे, अमेरिका को दे दे, किसी और कंट्री को दे दे कि भाई इनकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है, लेकिन जब तक हम अपने आप को, अपने घर को दुरुस्त नहीं करेंगे, तो फिर ये इल्जाम तराशियों से बनेगा कुछ भी नहीं। और जहां तक इन्वेस्टमेंट की बात है, मेरा नहीं ख्याल कि अरुण जी कि इसके बाद कोई इन्वेस्टर इस तरीके से आएगा किसी भी जगह, क्योंकि जो पावर प्रोजेक्ट्स हैं ज्यादातर, जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, इसका ज्यादातर जो रिसोर्सेज है वो खैबर पख्तूनख्वा में, और ये हमला खैबर पख्तूनख्वा में हुआ। इससे पहले जो दासू में 1.5-2 साल पहले हुआ था 2021 में, वो भी दासू के इलाका डिस्ट्रिक्ट कोहिस्तान ही था, शांगला और कोहिस्तान मतलब करीब करीब इलाके हैं और एक ही रो में आते हैं, तो दोनों हमले उनके जो वर्कर्स हैं उनके ऊपर वहां हुए, या फिर बलूचिस्तान में उनके वर्कर्स के ऊपर हमले होते हैं। फिर कोई अगर अमेरिकन इन्वेस्टर होगा, ब्रिटिश होगा, या फिर यूरोपियन मतलब यूरोप का होगा या किसी और कंट्री का होगा, वो तो भाई वो तो बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहते हैं। चाइनीज तो फिर काम कर लेते हैं, चाइनीज तो सूडान में काम कर रहे हैं, वेस्ट अफ्रीका में हालात खराब रहे लेकिन वहां पे वो काम करते रहे। बट अगर पाकिस्तान की बात की जाए, तो अगर उन्होंने अपने इस वक्त 3 पावर प्रोजेक्ट्स के ऊपर, ये बड़े पावर प्रोजेक्ट्स हैं पाकिस्तान के, जिसकी मतलब अच्छी खासी कॉस्ट है, बिलियन ऑफ डॉलर की कॉस्ट आ रही है, उसके ऊपर उन्होंने काम बंद किया हुआ, तो इसका मतलब है कि उनको लग रहा है कि हालात काफी खराब है, जिसकी वजह से वो गए। तो नए इन्वेस्टर्स को मैं कैसे एक्सपेक्ट करूं, या कोई कैसे एक्सपेक्ट करेगा कि भाई वो आएगा और यहाँ पे पैसा लगाएगा, कोई प्रोजेक्ट लगाएगा और वो कहेगा नहीं जी मुझे तो पाकिस्तान से बड़ा प्यार है। इवन पाकिस्तानी इन्वेस्टर जो बाहर है वो नहीं आके अपना पैसा लगाएंगे या लगा रहे, तो फिर चाइना या अमेरिका या कोई और क्यों आए? राइट, ये भी आपने सही बोला कि प्रोजेक्ट्स बहुत जगह। कमिंग बैक टू जैन साहब शायद कान से उन्होंने वो निकाल दिया अपने, सुन पा रहे हैं आप? या वो भी चाहिए अपने वाले भी उतार दिए। अच्छा, मैं ये पूछ रहा था कि जैन साहब, क्या चाइना के पास इतनी बड़ी क्राइसिस आ गई है इकोनॉमी में कि उसने मालदीव को कुछ प्रॉमिस किया, पैसा नहीं दिया,
पाकिस्तान को प्रॉमिस किया पैसा नहीं दिया, श्रीलंका को प्रॉमिस किया पैसा नहीं दिया, या चाइनीज लोगों की फितरत है? रोहित भाई, जब चूर्ण बिक सकता है 2 रुपए का, तो चूर्ण बेचने में क्या फर्क पड़ता है? पाकिस्तान को बोला था, और ये दोनों फकार भाई और आरजो जी बड़े भंगड़े डाले थे इन्होंने, वो आ गया जी रेलवे का प्रोजेक्ट $100 बिलियन दे दिया उन्होंने चाइना ने सानू, ये दोनों बैठे थे यहाँ पर कि आप तो बोल रहे थे कोई प्रोजेक्ट आएगा नहीं, याद होगा एक साल पुरानी बात है, और मैंने बोला था ये चूर्ण है, आपको एक फूटी कौड़ी उस रेलवे प्रोजेक्ट की नहीं मिलने वाली, उन्होंने बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट आपको अनाउंस कर दिया था। उसके बाद आपके 5-6 मुझे लगता है प्रधानमंत्री भी चेंज हो चुके हैं, वो सारे जाकर भी आए थे, और आपके आर्मी चीफ भी जाकर आए थे, क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ एश्योरेंसेस मिले, कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए, एग्रीमेंट साइन हुए, एंड खाली हाथ, छुंचना हाथ में है, अब तो जो कटोरा है उसके अंदर भी छेद इतने हो गए हैं कि उसमें कुछ डालो तो निकल जाता है कहीं और से। तो ये हालत है, इसलिए चूर्ण बेचने की एक फितरत है चाइना की ऐसे कंट्रीज को, जो जज्बे वाली कौम होती है, जज्बा है बहुत दबा, और चूर्ण दिखा और चूस चूस के बैठे रहते हैं, और कुछ भी नहीं है इसके पीछे, पैसा नहीं आना है। पाकिस्तान को एक उस लेवल पर रखा हुआ है कि ग्वादर ले लिया, सारे सी के जो बाकी के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं चाइनीज ने ले लिए, दे आर गोइंग टू मिल्ट मेक मनी आउट ऑफ देम, दैट्स ऑल। मालदीव्स के अंदर भी वो यही कर रहे हैं, वहां के भी पोर्ट ले लिए, वहां पर शिप खड़ा कर दिया, इनके पोर्ट है वहां पर शिप खड़ा कर दिया, श्रीलंका श्रीलंका को दबा लिया, उसके ऊपर भी एक शिप खड़ा कर लिया, इससे अलावा इन कंट्रीज की चाइना के लिए कोई औकात नहीं है। राइट, इससे अलावा इन कंट्रीज की कोई औकात नहीं। आगे मैं वो अभी एक चीज देख रहा था, तभी मैं जरा थोड़ा मेरी निगाहें नीचे थी, कि चाइना ने बाकी जगह अपने इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाए हैं, चाइना उधर अफ्रीका में देखो तो इन्वेस्टमेंट्स बढ़े हैं, और दूसरे रेस्ट ऑफ द एशिया पैसिफिक में देखो, ये इंडो पैसिफिक जिसे इंडिया बोलता है उसमें इन्वेस्टमेंट बढ़े हैं, क्यों पाकिस्तान इतना अनइम्पोर्टेंट रह गया है, या पाकिस्तान से इंटरेस्ट खत्म हुआ है? मैं आरजू जी की ओर ये क्वेश्चन डालना चाहता हूं। आरजू जी, देखिए हर जगह का अपना बजट होता है, आप ये नहीं कह सकते कि किसी कंट्री में अगर ज्यादा इन्वेस्टमेंट की है तो पाकिस्तान में भी होगी, अगर पाकिस्तान में की है तो कहीं और भी होगी, हर कंट्री के लिए अलग जाहिर है कि बजट और तरीका होगा, चाइना का वही किया जा रहा है। आप अगर हर चीज में कंपेयर करने लगेंगे तो वो तो बात नहीं बनेगी, लेकिन एक चीज जो मैं सुमित जैन साहब से कहूंगी वो ये कि जब से इंडिया से होकर गए ज्यादा खूबसूरत लगने लगे, और मेरा ख्याल है कि इनकी मदर ने इनको बड़ा अच्छा खाना खिलाया और ये अपना देसी खाना खा के गए, और इस वजह से चेहरे पे बहुत बहुत रौनक है, चेहरे पे कोई शक नहीं है, पराठे खाए मैंने पंजाब के, आपके पास पैसा, ये तो पैसे की रौनक है ना, ये ऐसी रौनक नहीं है, मेनलाइन प्रोजेक्ट में पैसा आया तो आपके पास, तो इसका मतलब है जो हम बाकी तीनों के मुंह पे जो फिटकार बरस रही है वो मतलब पैसा ना होने की वजह से। मेरे पास तो ऐसा है, सब बोलते हैं मेरे पास तो ऐसा है, मेरे पास पैसा नहीं है, इसलिए प्रॉब्लम है। बताइए, चार पांच घर जो है आपके, वो तो हमने देख लिए सारे, 25 गाड़ियां, तीन गाड़ियां नहीं, आप बताइए अगर किसी किसी की दोस्ती पदु जैसे लोगों से होगी तो पैसा तो आएगा ना। अबे केजरीवाल को 125 करोड़ दे दिए, 135 करोड़ तो केजरीवाल को दे दिए, तो सोचो कि रोहित शर्मा जी को कितने दिए होंगे। सही बात है, इसीलिए ये दोबारा जो है वो अपने आप को अपनी गुर्बत दिखाने के लिए दोबारा पुराने वॉल पे जाके बैठ गए कि लोगों को शक ना। असली दोस्त वो होता है जो कब्र तक साथ दे, नहीं और ये तीनों मुझे कब्र के अंदर तक डाल कर छोड़े नहीं, ये गारंटी, नीचे तक अंदर है बात तो दोबारा नहीं आ जाएगा। नहीं, ये रतन टाटा साहब की तरह जो है ना, अपना पैसा नहीं दिखाते, मतलब जिस तरह वो बिल्कुल सिंपल से रहते हैं ना, हालांकि इतना सारा मतलब इतने अमीर आदमी है और इतना बड़ा एम्पायर चला रहे हैं, कोई मतलब लगता नहीं कि ये इतने बिलियन डॉलर्स के जो है ये प्रोजेक्ट्स इसके चल रहे होते आदमी है, तो तकरीबन मुझे लगता है कि उनका कोई है इनके ऊपर असर, आप लोग जो मर्जी कहते हैं, लेकिन ये होता है, रोहित को देख के भी ऐसा ही लगता है कि इसके पास इतना पैसा नहीं है, लेकिन ये के है, मतलब मेरा ख्याल है इनकम टैक्स वालों को चेक करना चाहिए एक बार। ये टैक्स के लिए एडवाइस थी, ये टैक्स के लिए एडवाइस थी, और दूसरा ये जैन साहब ने केजरीवाल का नाम लेकर के मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, आजकल जो भी केजरीवाल का नाम ले रहा सीधे तिहाड़ में मिल रहा है, मतलब इन्होंने बोला इनकम टैक्स को, मैं ईडी को बोल रहा हूँ। हाँ बिल्कुल सही,
जैन साहब एक बात याद रखना, वापस इंडिया ही आओगे, वहां पे आपको सिटीजनशिप आपके पास है नहीं, वापस इंडिया ही आओगे और मैं कहीं ना कहीं से आपके बाद ना एक खबर तो फैला दूंगा आपके खिलाफ कि ये आदमी जो है ना ये आदमी चाइना से स्कैम करके आया और इंडिया में पैसा लाया है, तो ताकि आपके घर पे डकैती पड़ जाए, ये बात याद रखना। और उसमें से आधा पैसा आपका है ये भी बता देना कि सारे आइडिया आपके थे, इस वजह से आप पार्टनर हो उसमें 50% के। बिल्कुल बिल्कुल, ताकि मेरे घर पे अभी भी बात है, पैसा नहीं निकलता ना तो डाकू पीट के जाते हैं कि ऐसे ही फ्री में पोकरा आदमी हमारा टाइम वेस्ट कर दे तूने। नहीं आजकल पैसे कैसे हेट रहे हैं, देखो कोई सलाह नहीं दी, पैसे कैसे हेट ले दूसरे से, इमीडिएटली सॉल्यूशन भी आ गया। क्या दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह इन चारों का डिस्कशन आपको काफी पसंद आएगा और ये वीडियो आपको काफी एंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग लगी होगी, जहां पे इन चारों ने ना सिर्फ बात की हमारे प्यारे देश भारत के बारे में बल्कि पाकिस्तान से लेके चाइना के बारे में भी बात की और एक दूसरे की टांग भी खूब खींची। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आएगी, क्योंकि जब भी ये चारों साथ में होते हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि ये चारों बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई है इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम अपने लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।